10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you. Hey all, welcome to my channel. ये ब्लॉग अष्टविनायक दर्शन का एक शॉर्ट रोड ट्रिप है। इस वीडियो में 7 की पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट, मंदिर जाने का सीक्वेंस क्या है। सेकंड, हर मंदिर के बीच कितना डिस्टेंस है और हमको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। थर्ड, वहां का रोड और व्यू कैसा है। फोर्थ, पार्किंग फैसिलिटी कैसी है, चार्जेस क्या रहेंगे। फाइव, मंदिर जाने का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा। सिक्स, हम लोगों को कितना एक्सपेंस हुआ इस ट्रिप पे। सेवन, हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस किया जो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। 31st December संडे था, हम लोग पुणे हिंजेवाड़ी से मयूरेश्वर टेम्पल मोरगांव की तरफ निकल गए थे। हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे। पुणे से मोरगांव का डिस्टेंस 91 किलोमीटर था और हम लोग 8:30 AM वहां पहुंच चुके थे। यहां पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल थी, मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर दोनों जगह पार्किंग फैसिलिटी थी। यहाँ हमें दर्शन कंप्लीट करने में 1 घंटे का समय लगा और हमारा दर्शन 9:30 बजे तक कंप्लीट हो चुका था। मोरेश्वर टेंपल मोरगांव का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम 5 AM to 10:30 PM है। 9:30 को हमने हाफ एन आवर का ब्रेक लिया और उसमें हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर हम लोग मोरगांव से सिद्धिविनायक टेम्पल के लिए निकल गए। मोरगांव से सिद्धटेक की डिस्टेंस 58 किलोमीटर है। ईश्वर टेम्पल से हम लोग 10 AM निकले थे और सिद्धिविनायक टेम्पल हम लोग 11 AM पहुंच चुके थे और वहां 11:30 तक हमारे दर्शन भी हो चुके थे क्योंकि उस दिन ज़्यादा रश नहीं था। इस मंदिर का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम 5 AM to 9:30 PM है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहां भी मंदिर के फ्रंट में अच्छी खासी पार्किंग एरिया अवेलेबल है। AM अब हम लोग सिद्धिविनायक टेम्पल सिद्धटेक से बल्लालेश्वर टेम्पल पाली के लिए निकल गए थे। सिद्धटेक से पाली का डिस्टेंस 220 किलोमीटर था और उस दिन हम लोग 6 PM तक वहां पहुंच चुके थे। 31 दिसंबर की शाम होने की वजह से उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और हमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। इसके बीच हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था जिसमें हमने लंच लिया था। हमने 40 मिनट्स का ब्रेक लिया था। 7 बजे शाम तक हमारा दर्शन कंप्लीट हो चुका था और मंदिर का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम 5 AM to 10:30 PM है। शास्त्रों के अनुसार हमें बल्लालेश्वर गणपति के दर्शन से पहले नुंडी विनायक गणपति के दर्शन करने होते हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले नुंडी विनायक के दर्शन किए फिर बल्लालेश्वर टेम्पल के तरफ गए। अब हम लोग वरद विनायक टेम्पल महड की तरफ निकल गए। यहाँ जो मैंने पिक्चर लगा रखी है, एक्चुअल में हमें वहीं जाना है। गूगल में रिव्यूज़ में कुछ एरर है, बट हम एक्चुअली हमें यहीं जाना है। हम लोग 7 बजे बल्लालेश्वर टेम्पल पाली से वरद विनायक टेम्पल महड की तरफ निकल गए थे। पाली से महड का डिस्टेंस 38 किलोमीटर है और हम लोग 8 बजे तक वहाँ पहुँच चुके थे। 9 बजे तक हमारा दर्शन हो गया क्योंकि वहाँ 1 घंटा हम लोग लाइन में खड़े थे। मंदिर का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम 5 AM to 9 PM है। अष्टविनायक में यही एक ऐसा मंदिर है जहां आप गणेशा के फीट को एक्चुअली में टच कर सकते हो और पूजा कर सकते हो। रात हम लोग महड में ही रुक गए थे और नेक्स्ट डे जो कि 1st January मंडे था,
हम लोग चिंतामणि टेम्पल के लिए निकल चुके थे। हम लोग 10 AM वरद विनायक टेम्पल महट से चिंतामणि टेम्पल थेयोड के लिए निकले थे। वरद विनायक टू चिंतामणि 113 किलोमीटर है और हम लोग 12:30 पे वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ 2 घंटे का वेटिंग पीरियड था क्योंकि 1 January था और उस दिन काफ़ी रश था। फिर भी हमारा दर्शन 2:30 तक हो गया था। इस मंदिर का ओपनिंग टाइम 5 AM है और क्लोजिंग टाइम 10 PM है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ भी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम लोग 2:30 PM को चिंतामणि टेम्पल थेउर से गिरिजातमज टेम्पल लेनयाद्री केव की तरफ निकल गए थे। थेउर से लेनयाद्री केव का डिस्टेंस 107 किलोमीटर है। हम लोग वहाँ 5:55 PM को पहुँच चुके थे। इसके बीच हमने एक ब्रेक लिया था और उसमें हमने लंच किया था। विद इन 1/2 hour हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया था। इस मंदिर का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम 7 AM टू 6:30 PM है। यहाँ भी अच्छी खासी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। ये मंदिर लेनयाद्री केव में है और यहाँ पहुँचने के लिए हमें 283 पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। ये मंदिर माउंटेन पे है इसलिए मंदिर जल्दी बंद भी हो जाता है। 6:30 इसका क्लोजिंग टाइम है क्योंकि पहाड़ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए 6:30 के बाद एंट्री बंद कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पालकी भी ले सकते हो जो 1000 rupees में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ आपको वाटर बॉटल ज़रूर ले जाना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ ऊपर चढ़ते वक्त बहुत प्यास लगती है। मंदिर से नीचे आने के बाद आप लकड़ी से बने प्रोडक्ट की शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ अच्छी वैरायटीज़ अवेलेबल है। आफ्टर हैविंग टी एंड स्नैक्स ब्रेक एंड आफ्टर शॉपिंग हम लोग 7:30 PM गिरिजातमज टेम्पल लेनयाद्री से विघ्नहर टेम्पल ओजर की तरफ निकल गए थे। विघ्नहर टेम्पल और लेनयाद्री टेम्पल के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है और हम लोग 8 PM वहाँ पहुँच चुके थे। 1 घंटा लाइन में खड़ा रहने के बाद हमारा दर्शन 9 बजे तक कंप्लीट हो गया था। यहाँ भी अच्छी खासी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। मंदिर का ओपनिंग टाइम 5 AM टू 11 PM क्लोजिंग टाइम है और रात हमने ओजर के ही होटल में डिनर किया और वहीं रुक गए। नेक्स्ट मॉर्निंग 2 January जो कि ट्यूसडे था, हम लोग महागणपति टेम्पल रांजनगांव पहुंच चुके थे। विघ्नहर टेम्पल ओजर से महागणपति टेम्पल रांजनगांव का डिस्टेंस 65 किलोमीटर है। हम लोग 9 बजे सुबह निकले थे और 10:10 पे हम लोग रांजनगांव टेम्पल पहुंच चुके थे। यहाँ रोड बहुत ही स्मूथ था और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी और वहाँ के व्यूज़ भी बहुत ही सुंदर थे। मंदिर पहुँचने के बाद 20 मिनट्स हमको क्यू में खड़ा रहना पड़ा और 10:30 तक हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया। मंदिर का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम 4 AM टू 10 PM है और यहाँ भी पार्किंग फैसिलिटी अच्छी खासी अवेलेबल है।
अब हमने 45 मिनट्स का ब्रेक लिया, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट किया और वापस मोरेश्वर टेंपल मोरगांव की तरफ निकल गए थे। 11:15 AM हम लोग महागणपति रांजनगांव से मयूरेश्वर मोरगांव टेंपल की तरफ निकल गए थे, जिसका डिस्टेंस 88 किलोमीटर था। अष्ट विनायक दर्शन का जो सीक्वेंस है, मैंने उसका पिक पहले ही वीडियो में लगा रखा है, इसलिए हम लोग मयूरेश्वर मोरगांव से यह परिक्रमा शुरू करके वापस मयूरेश्वर मोरगांव की तरफ जाके वो परिक्रमा पूर्ण करेंगे। हम लोग यहाँ 1:45 PM पहुँच चुके थे और 30 मिनट्स में हमारा दर्शन हो गया था। हम लोग वापस अब अपने घर की तरफ पुणे हिंजेवाड़ी के लिए निकल गए थे। अष्ट विनायक दर्शन के लिए हमें सीक्वेंस में जाना चाहिए। सबसे पहले मोरेश्वर टेंपल मोरगांव आता है, उसके बाद सिद्धि विनायक टेंपल सिद्धटेक आता है, बल्लालेश्वर टेंपल थर्ड नंबर है जो पाली में आता है, फोर्थ वरद विनायक टेंपल महड में आता है, फिफ्थ चिंतामणि टेंपल थेऊर में आता है, सिक्स गिरिजात्मज टेंपल लेनियादरी में आता है, सेवन्थ विघ्नहर टेंपल उजर में आता है, और 8 है महागणपति टेंपल जो रांजनगांव में आता है, और लास्ट में हम वापस 9th नंबर मोरेश्वर टेंपल मोरगांव जाते हैं। इस तरह से है हमारा अष्ट विनायक दर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए कहीं जाना हो तो ये अष्ट विनायक दर्शन के लिए परफेक्ट है, और यहाँ व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। हम लोगों को टोटल खर्चा लगभग 10,000 हुआ था, शॉपिंग हमने अलग से किया था, इसमें हमारा 10,000 में हमारा खाने का और कार का बिल इंक्लूड है। टोटल डिस्टेंस पुणे से अष्टविनायक दर्शन का 886 किलोमीटर अप्रॉक्स है। पार्किंग भी सभी मंदिर में अवेलेबल है, 40-50 रुपीस पार्किंग के चार्जेस हैं। प्रॉब्लम हमें बस ये फेस करना पड़ा कि हम लोग छुट्टी वाले दिन गए थे, जहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा रश था। अगर आपको रश अवॉइड करना हो तो आप वीकडेज में जाओ, ना कि वीकेंड में। फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस to provide more videos like this to you. Bye bye and take care.